अच्छा ये बताओ यार, ये कहाँ का फोटो खींचा हुआ है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये फोटो खींचा हुआ है ना, ये वाला जो वॉलपेपर में है, ये कहाँ का फोटो खींचा हुआ है? पता नहीं कहाँ का खींचा हुआ है, तो पहले से मेरे लैपटॉप में था। अच्छा बदल के अपना लगा दे, चलिए ठीक है अपना ही लगा देंगे कभी। लेकिन ये पहाड़ में खोजूंगा कहाँ से? चलो खैर छोड़ो, गांव में बहुत पहाड़ मिल जाएंगे, जंगल में। चलिए बताओ कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? कल पढ़े थे नहीं पढ़े थे? अच्छा कल नहीं पढ़े थे, उसके कल पता नहीं, कल के कल के कल के कल अच्छा कल के परसों पढ़े थे? अच्छा मैं आया नहीं था, तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे जरा बताओ। अच्छा क्या क्या पढ़ लिए थे ये बताओ। ये दो तो पढ़े थे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों पढ़ लिए थे शायद, अब भी नहीं दिख रहा है, ये दोनों पढ़ लिए थे ना, तो आगे पढ़ ले, नहीं हम पकौड़े बेच के रोजगार कर लेंगे। अच्छा से नहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ, अब दिख रहा है, अब तो पक्का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक। तो सिंपल इफ हम लोग पढ़ लिए और इफ एल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आता है नेस्टेड इफ, ठीक है, और फिर नेस्टेड इफ के बाद क्या आ जाएगा, एल्स इफ लेडर, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या रखा है, ठीक है। तो चलिए जी, एक तकलीफ मेरे को होता है बार बार, मालूम क्या, कोई भी कहता है कि पांचवा महीना लिख दो, तो हमको जनवरी फरवरी अंग्रेजी में उंगली पे गिनना पड़ता है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में उंगली पे गिन लेता हूँ, या फिर कोई कह देता है अप्रैल है, या कोई कहता है जून है, कोई कह देता है नवंबर है, सितंबर है, तो मुझे उंगली पे गिनना पड़ता है कि ये महीना कौन सा है, ठीक है जी। तो ऐसा कोई टेक्निक होता तो ऐसा हम कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं कि हम उसमें डाल दें नंबर सेकेंड तो बता दे कि ये जी फरवरी है, थर्ड डाल दें नंबर तो मार्च बता दे, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो बना लेना, ना बनाए, बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल प्लस एस दबा देता हूँ जी, तो ये सेव हो गया है। फिर इसमें कुछ लिख के फिर कंट्रोल एस दबा दिया, तो ये अब पूछेगा मेरे से नाम, मैं इसको सी कर दूंगा, ठीक है, और फिर इधर आगे कर दूंगा एन ई एस टी, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, कर दिया एंटर। नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब है जी? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे एल्स के अंदर तीसरा एल्स, चौथा पांचवा इफ, ठीक है, मतलब इफ के अंदर इफ, ठीक है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ फिर क्या कर देता हूँ, इफ एल्स, क्या मैं लिख दिया एल्स, ये तो दिमाग खराब कर दिया हमारा लाइट, ठीक है, हमारा लाइट नहीं, इसी कहते हैं विशुद्ध वाक्य, समझ में आया आपको, ये प्रिंट हो गया है। चलिए थोड़े देर में देखते हैं लाइट आ जाता है तो, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा अभी दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग एक तो सॉफ्टवेयर पिछले बार बताए बनाए थे, कौन सा बनाए थे, टमाटर बेचने का ना, टमाटर बेचने का सॉफ्टवेयर बताए थे, मतलब टमाटर खरीदने का सॉफ्टवेयर बनाए थे,
टमाटर खरीदने का सॉफ्टवेयर हम लोग बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग ये करते हैं कि पहले पूछेंगे टमाटर क्या रेट चल रहा है, ठीक है। जब वो कहेगा 10 रुपए या 10 रुपए से नीचे तो हम चुपचाप खरीद लेंगे, लेकिन वो बोल देगा कि नहीं जी 20 रुपए या उससे ऊपर बोलेगा तो हम कहेंगे 10 रुपए देना, ठीक है 10 रुपए देना। वो अगर कह देगा कि नहीं जी हम 10 रुपए तो नहीं देंगे, तब हम क्या करेंगे, भाई तू अपने घर ले जा दोबारा, ठीक है। और बोल देगा कि ले लो 10 रुपए की के जी ही दे देता हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग, खरीद लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाए, बना लेते हैं, ठीक है जी। तो INT टोमैटो, स्पेलिंग सही है, टोमोटो ये सही है, जरा बता दी टोमेटो का स्पेलिंग क्या होता है, टोमैटो ये है, टोमेटो का स्पेलिंग बताओ, वरना हम टमाटर लिख देंगे, ठीक है टमाटर ही लिख देंगे हम, ठीक है। नहीं तो स्पेलिंग बताओ, नहीं बताओगे मत बताओ, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, टमाटर ही लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम टमाटर ही बोलते हैं। तो प्रिंट एफ लिखेंगे पहले, ठीक है, और इसमें लिखेंगे टमाटर, इसको हटा देता हूँ, टमाटर, ठीक है अब सही दिख रहा है, ठीक है। टमाटर का प्राइस बता दो जी, प्राइस बता दो, ठीक है। जब बताएगा तो हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, ठीक। कैसे स्कैन करेंगे जी, %D लिख के, ठीक है %D लिखेंगे, और फिर इधर क्या लिख देंगे, एंड, और इसी को कर देंगे कॉपी करके पेस्ट, नहीं मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एंड होगा, राइट। तो टमाटरों का रेट बताएगा हम रख लेंगे। अब हम क्या कंडीशन चेक करेंगे जी, कि अगर वो बताता है कि क्या बताता है, अगर, ठीक है आप जानते हैं इफ माने अगर, अगर कोई बोल दिया जाता है कंप्यूटर की भाषा में इफ, ठीक है। तो अगर टमाटर का प्राइस, ठीक है, अगर टमाटर लेस देन इक्वल टू माने छोटा है या बराबर है 10 के, तो क्या करेंगे जी, हम सीधे यहां पे आ जाएंगे ऐसे, एक तो आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे, ठीक, printf प्रिंट एफ, ठीक है। और यहां पे बोलेंगे 1 kg दे दो, ठीक 1 kg दे दो, ठीक है, लेकिन अन्यथा, ठीक एल्स, ठीक है। अगर बोलेगा कि जी 10 रुपए है, ठीक है, तो क्या करेंगे, बोलूंगा दे दो जी भाई 1 kg, ठीक है 1 kg दे दो, ठीक। लेकिन कह देगा कि नहीं जी 10 से छोटा या बराबर होगा तो ले लेंगे 1 kg, ठीक है। लेकिन अगर 10 से वो बड़ा बताएगा, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे जो लिखा है ना वो फॉल्स हो जाएगा, तो आएगा अन्यथा वाले में ना, तब हम क्या करें, बोलेंगे printf प्रिंट एफ, ठीक है, फिर बोलेंगे 10 रुपए देना क्या, ठीक 10 रुपए देना नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, एक ठो कैरेक्टर नाम का एक और वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, कैर सी नाम से बना लिया मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अब स्कैन करके ले लूँगा, स्कैन एप, ठीक है, %C से कैरेक्टर का वैल्यू लिया जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड सी ले लिया, ठीक। तो यहां पे हम क्या टाइप करेगा, यूजर 10 रुपए देना क्या, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं या तो y टाइप करो या तो n टाइप करो, ठीक है। y या n टाइप करेगा तो ये c नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर हम चेक करेंगे इफ, ठीक है, अगर c, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाए, अगर y आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हम ले लेंगे, ठीक है दे दो प्रिंट एफ, ठीक है दे दो, अन्यथा क्या कर देंगे, अगर नो बोल देगा वो सामने वाला तो हम क्या कर देंगे, नहीं चाहिए भाई, ठीक है तो हम बोल देंगे यहाँ पे नहीं लेना, ठीक। आपको दिखाई दे रहा है, चलिए अब प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ जी, बराबर चलता है कि नहीं, ठीक है कंपाइल करके रन करा, ये क्या बोल रहा है, चलो जो बोल रहा है हम दे देते हैं उसको, रन किया हमने, आ गया टमाटर का प्राइस बताओ, 10 रुपये मैंने बता दिया तो बोल रहा है 1 kg दे दो, ठीक है फिर मैं एग्जीक्यूट, और अब तो कंपाइल का जरूरत नहीं है तो सीधा रन कर दूंगा मैं, टमाटर का रेट बताओ मैंने बता दिया 20 रुपये, ये बोल रहा है 10 रुपये देना क्या, एस वाई मैंने कुछ इनपुट नहीं किया और ये आगे बढ़ गया जी, ये तो बड़ा नाइंसाफी है, मज़ा नहीं आया, ठीक है स्कैन हमने किया लेकिन क्या बोला वो, हम तो जी लेंगे ही नहीं, ठीक है इसको मैं क्या कर देता हूँ स्लैश एन दे देता हूँ जी, ठीक है स्लैश एन दे देता हूँ, ठीक है और करेक्टर नाम के सी वेरिएबल में यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है और सी में जैसे ही जाएगा तो हम यहाँ पे ये सी सी, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, मैं यस कर लेता हूँ, ठीक है या कन्फर्म नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है कन्फर्म, कन्फर्म बता भाई देगा या नहीं, वरना हम चुपचाप निकल लेंगे झोला उठा के, ठीक है झोला उठा के निकल लेंगे, ठीक चलिए जी निकलिए लेंगे झोला उठा के, मैंने यहाँ करा तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना, चलिए जी मैंने 20 डाला, ठीक है और यहाँ पे आया, ठीक है 10 रुपये देना क्या, वाई और नो हमने करा और फिर नहीं लेना पे आ गया और सीधा जो है ये इसमें आ गया, नहीं लेना में सीधा आ गया, ठीक है ये दे दो वाला तो चला ही नहीं जी इसमें, इसका एन एप तो हमारा चला ही नहीं जी, ठीक है क्यों नहीं चला जी, इसका क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन जानने से अच्छा है कि हम अभी काम चलाने के लिए क्या कर दें इंट, ठीक है और फिर हम कर दें वाई के लिए 1, ठीक है और एन के लिए 0, ठीक है अगर यहाँ पे कंफर्म में करता है 1, ठीक है तब हम क्या करेंगे दे दे भाई, अन्यथा हम तो झोला उठा के निकल लेंगे, ठीक है हाँ ये किसका डायलॉग है जरा बताना, झोला उठा के निकल लेंगे, ठीक है अच्छा आपको मालूम, अब बोल रहा है 10 रुपये देना क्या, अगर मैं 1 टाइप करके एंटर कर दूंगा तो बोल रहा है दे दो, ठीक है यहाँ पे 10 एंटर करा, ये बोल रहा है 1 kg दे दो, ठीक है और फिर कंपाइल रन में फिर से कर दिया, फिर बोल दिया 20, फिर हमसे इनपुट लेने के लिए रुक गया, ठीक है फिर उसके बाद मैं 0 कर दिया तो बोल रहा नहीं लेने का, हाँ हाँ पड़ोसी राज्य से हमें सस्ता मिलेगा, ठीक है तो हमने यहाँ पे नंबर को ले लिया, ठीक है यहाँ पे हम सीधे बोल देते हैं ना यस के लिए, रहने दो यार यही, ठीक है अभी मैंने कुछ बदलाव कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया, यहाँ पे कैरेक्टर हम ले रहे थे वाई और एन तो ये क्यों नहीं ले रहा था, ठीक है मैं उस पर थोड़े देर में आऊँगा, ठीक है थोड़े देर में आऊँ या फिर कल आऊँ या परसों आऊँ, ठीक है तो इसके पीछे का साइंस क्या है मैं आपको थोड़े बाद में बताऊँगा, ठीक है कि कैरेक्टर के पीछे का क्या साइंस है क्या टेक्नोलॉजी है, इतना आप लोग बताइए समझ में आया नहीं आया,
क्यों? समझ में आया इतना? नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया, पक्का आ गया। देखिए सबसे पहले मैं क्या काम किया कि टमाटर का खरीदना था हमको, टमाटर का यहाँ पर वेरिएबल बना लिया, ठीक है। दुकान वाले से पूछा हमने टमाटर का रेट बताओ, ठीक है। दुकान वाले ने बता दिया, हमने यहाँ पे रखा, और दुकान वाले ने जो बताया, ठीक है, वो यहाँ पे रखा, और मैं और इसको यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, कि टमाटर क्या 10 रुपये केजी बता रहा है या उससे नीचे बता रहा है। अगर बताएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, हम खरीद लेंगे, ठीक है। और इसके 10 रुपये की अगर ऊपर बताएगा तो एल्स में चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 10 से अगर नीचे बताएगा ना तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब तो खरीद लेंगे, लेकिन 10 के ऊपर बताएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 10 या 10 के नीचे अगर बताएगा तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, फिर हमारा ये बोलेगा 1 केजी दे दो, ठीक है। लेकिन अगर 10 के ऊपर बताता है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आ जाएगा एल्स वाले केस में, माने अन्यथा में आ जाएगा। अन्यथा में हमें क्या करना है, फिर पूछना है 10 रुपये देना क्या, ठीक है, 10 रुपये देना, ठीक है। तो दुकान वाले को अगर एस, अगर हाँ बोलता है दुकान वाला तो 1 टाइप कर देंगे, दुकान वाला नो कहता है तो 0 टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कन्फर्म वेरिएबल से स्कैन करके रख लेंगे हम, ठीक है, स्कैन ऐप से ले लेंगे इनपुट, उससे 1 टाइप किया कि 0 टाइप किया। अब अगर कन्फर्म में 1 आ गया है, ठीक है, मने क्या होगा, फिर ये ट्रू हो जाएगा, फिर बोलेंगे जब 10 रुपये देना तो दे दो, ठीक है। लेकिन वो 0 दबा देगा, माने वो कह देगा नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, नहीं लेने के भाई तू मत रख, हम झोला उठा के निकल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई समस्या आपको, कोई परेशानी, ठीक, तो आप भी झोला उठा के निकल लेंगे, ठीक है। ठीक है, बैग उठा के निकल लेना जी, ठीक है, ऊपर करो, हाँ, फॉन्ट को छोटा कर दूं क्या, फॉन्ट को छोटा कर दूं क्या? तो ये है आपका, तो इफ के अंदर भी आप इफ लगा सकते हैं, ठीक है। इफ के अंदर इफ कैसे लगेगा, वो आप खुद से प्रैक्टिस करना लगाने का, ठीक है, आपसे लगेगा तो ठीक है, नहीं तो पूछना, ठीक है। एल्स के अंदर कैसे लगेगा, मैंने वो तो आपके सामने बता दिया, ठीक है। तो इफ के अंदर इफ लगा दो, इफ के अंदर इफ एल्स दोनों लगा दो, एल्स के अंदर इफ एल्स दोनों लगा दो, ठीक है। इस इफ के अंदर भी आप चाहो तो इफ लगा सकते हो, ठीक है, इस एल्स के अंदर भी चाहो तो एल्स लगा सकते हो आप, ठीक है। किसी के अंदर किसी को लिख दो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आपको ये बात बराबर समझ में आ गया, कोई फोटो फाटो खींचना चाह रहा है तो मैं इसको कर दूंगा एमएस वर्ड में, विन वर्ड, विन वर्ड हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास नोट पैड है, ठीक है, नोट पैड में लाता हूं और पेस्ट कर दे, ये तो बड़ा बड़ा दिख रहा है जी, छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। इसका फॉन्ट को हम क्या कर देंगे, 16, ठीक है, अभी आ गया, सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बस यही तो छोटा सा प्रोग्राम था जी। तो आप चाहें तो इसका फोटो खींच ले, स्क्रीनशॉट खींच ले, जो मन करता है वो खींच ले, और कॉपी में चाहें तो लिख लें जी, ठीक है। किसी को और कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो जरा बताइए। तकलीफ से मुझे याद आ गया, आप लोगों का असाइनमेंट आ गया है जी, तो आप लोग असाइनमेंट बनाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। क्या चीज, ओ अभी तक नहीं आया ना, बात तो सही, कल दिक्कत ये था ना कि मेरा इंटरनेट साफा हो गया था, ठीक है, तो आज इंटरनेट दोबारा मिल गया, तो सोच रहा हूँ कि अभी जो है आपको भेज दूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। क्या चीज नहीं बनाएंगे तो मालूम है ना मैं झुकेगा नहीं, सबका नंबर
नहीं सबको पास कर देगा। सोचना अभी मत कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो आपको समझ में आ गया सब कुछ? फिर से समझाने का जरूरत नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं इधर, कितने ज्ञानी लोग हैं इधर। क्यों है ना, क्या चीज? नहीं नहीं उधर नहीं है, इधर ही है। ठीक चलिए जी, तो इसको मैं हटा दूं। चलिए जी, आई एन टी इंट एम ओ एन टी एच, मैं महीना वाला जो प्रोग्राम आपको बोल रहा था उसको बना के देखते हैं थोड़ा, ठीक है? तो पिछला प्रोग्राम तो आपने समझ गए ना, आपको समझ में आ गया। तो क्या करूंगा मैं इधर, इफ, ठीक है, एम ओ एन, मैं इतना वेरिएबल का लंबा नाम लिखने से अच्छा कि मैं छोटा नाम लिख देता हूं एम। डबल इक्वल टू क्या, वन हो तब क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ, ठीक है, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। स्पेलिंग सही है ना? सही बताओ यार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यूजर को प्रिंटिंग के लिए मैसेज तो देंगे ना, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटर एन यू एम बी ई आर, ठीक है, इसको बोलेंगे कि आप नंबर प्रिंट करो, ठीक, कहां से कहां तक, वन से लेकर के 12 तक, माने 12 तक, ठीक, 12 तक प्रिंट करो, 12 तक इंटर करो, ठीक है, और वो नंबर जिस महीने से मैच करेगा वो महीना हमको दिख जाए, ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप जानते हैं, ये देख लो, एम को कंपेरिजन कर लूंगा वन से, ठीक है, अगर ये प्रिंट हो जाता मैच हो जाता है तो क्या करो, जनवरी प्रिंट कर दो, ठीक है, लेकिन ये मैच नहीं करता है तो क्या करो, एल्स में चले जाओ और फिर क्या करो यहाँ पे इफ, फिर से यहाँ पे इफ करो और फिर एम इक्वल टू टू, ठीक, फिर से यहाँ पे क्या करो, इसी को प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा फरवरी, कैसे लिखते हैं यार, फरवरी, स्पेलिंग सही है, क्या चीज, यप ई, हाँ यार सही कह रहे हो, तो समझ में आ गया आपको, फरवरी हो जाए, ठीक है, अगर टू से भी मैच ना करे तो क्या करो, फिर यहाँ पे एल्स लिख दो, ठीक, फिर एल्स लिखो और फिर यहाँ पे एक इफ लगा दो, ठीक है, इफ, और फिर एम को चेक करो, कहीं तीसरा महीना तो नहीं एंटर करा है, अगर तीसरा महीना है तो क्या कर दो जी यहाँ पे, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे कर दो मार्च, ठीक, तो आपको समझ में आ गया जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आ गया ना, नहीं आया, तो प्रोग्राम को रन करें, कंपाइल रन करें, चलेगा प्रोग्राम, कर देते हैं, शुभ काम में देर क्यों, चलिए, ये क्या बोल रहा है, इसको शुभ काम में देर कर रहा है, इस सज्जन को क्या तकलीफ हो गया, अच्छा ये नहीं लगाए हैं, वाह कितने ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, क्यों चलिए बुद्धिजीवी लोग हैं, कितना बढ़िया ज्ञानी लोग, रन कर दिए जी, ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी, मजा नहीं आया जी, चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि, अच्छा मैं क्या गलती कर रहा था आप लोग जरा बताइए, अच्छा स्कैन नहीं कर रहा था, कर देते हैं जी, कितने ज्ञानी लोग इधर बैठे हुए हैं, और लोग कहते हैं कि भारत में अनस्किल्ड लोग हैं, भारत वाले कुछ आता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है भारत के बारे में, मैं सही कह रहा हूँ ना, भारत वाले पानी से गाड़ी चला देते हैं, अभी अमेरिका को पता चल जाएगा तो वो भी आइडिया चोरी कर लेगा, वन किया तो जनवरी आ गया जी, ठीक है, थ्री कर दिया तो मार्च आ गया, ठीक है, ठीक है,
फिर से एग्जीक्यूट रन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, टू कर देंगे तो फरवरी आ गया। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है? इस प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत है नहीं है? दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हमको काहे दिक्कत रहेगा? पड़ोसी पूछता तो मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन चलिए जब पड़ोसी को ही दिक्कत नहीं है तो हमको क्या दिक्कत है? क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? आपको अब दिखाई दे रहा है क्या? फोटो फोटो खींच लो, मर्जी है तो। बस वही, हाँ, एक राजनेता लूट करना शुरू कर दे तो उसको हरा के दूसरे को जिताओ, वो भी लूट करना शुरू कर दे, तीसरे को जिताओ, चौथे को जिताओ, वही सही कंडीशन यहाँ पे लगाओ। आपको समझ में आ गया जी? और यहाँ पे एल्स दे दो एक ठो, और इसको क्या कह दो, PRINTF, प्रिंटएफ कह दो। तुमको समझता नहीं, तुमको समझता नहीं 1 to 12 तक टाइप करने का, ठीक? तो आपको समझता है तो टाइप करने का। जैसे मान लो मैं यहां पे 3 लिख के एंटर करा तो मार्च आ गया, ठीक है, लेकिन मैंने अभी कोड सिर्फ 3 तक ही करा है ना, तो 5 में भी करूंगा तो बोलेगा कि तुमको समझता नहीं है 1 से 12 तक टाइप करने का, ठीक है? तो आप दिसंबर तक लिख लेना, फिर ये मैसेज दिखाना, ठीक है? तो कोई तकलीफ आप लोग को? बोलो, किसी को तकलीफ नहीं है तो हमको क्या तकलीफ? तो आपके लिए टास्क है कि आप दिसंबर तक बनाइए, ठीक? और ये दिसंबर तक बन जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 टाइप करूं तो मंडे आ जाए जी, 2 टाइप करूं तो उसके अगला दिन आ जाए, 3 टाइप करूं तो उसके अगला दिन आ जाए। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमको पता नहीं है, ठीक है जी? तो जैसे महीने के लिए नंबर आप देते हैं तो महीना आता है ना, आप लोग सुन रहे हो? हाँ, एम 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 है ये, एम फॉर आम माने मैंगो। अब मैं मंथ लिख के लंबा चौड़ा नहीं प्रोसेस करना चाह रहा था, इसलिए मैं सोचा कि एम एम लिख के काम चला लेता हूं ना, ठीक? तो आपको समझता है पूरा प्रोग्राम, ये समझ में आ गया आपको? मैं टाइप करूं वहां मैं लिखा हूं ताकि आप करो टाइप, ठीक? तो लिख लिए आप लोग, नहीं लिखे? लिखिए, जब तक आप लोग लिखते हैं इसको भी मैं रोक देता हूं, करता हूं अब मैं इसको, ठीक है? तो आपने जो इधर देखा ना, इसको छोटा होने के लिए कौन बोला, छोटा हो गया, हाँ, और जूम हो जा भाई, हाँ। तो आपने जो नेस्टेड इफ देखा था वो नेस्टेड इफ का ही उदाहरण था जो आपने प्रोग्राम अभी देखा, ठीक? अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ लेडर, ठीक? इसका क्या मतलब है? नेस्टेड का ही थोड़ा सा अलग स्वरूप है लेडर एल्स इफ, ठीक? वो कैसे लिखा जाता है मैं इसी में एडिटिंग करके बता दूं क्या? एक बार मिक्सचर बना लेते हैं फिर बाद में खाएंगे, ठीक है? ये देखो, इसको मैंने करा ऐसे, ठीक है? फिर मैंने क्या करा जी, ऐसे, ठीक? आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देख लो आप, ठीक?
ऐसे कर दो आप, ठीक है? ऐसे, ठीक। तो ये बन जाए गया आपका लेडर एल से, ठीक। तो प्रोग्राम चला दे जी, चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे बन गया ये। अब मैं तीन ही ठो किया हूं तो तीन ठो ऐसा बना है, ठीक है। अब यहां पे भी एक ठो इफ लगा दूं अगर मैं, ऐसे एम इक्वल टू फोर, तो चौथा कौन सा महीना होता है जी, जरा बताओ। अच्छा पी आर आई एन टी ए प्रिंट एफ अप्रैल, ठीक। यहां पे करा और ये कर दिया, ठीक। ऐसे तो इसको मैं जस्ट रन कर देता हूं कंपाइल रन, तो यहां पे तो एरर आ गया जी। इस सज्जन को पता नहीं क्या तकलीफ होने लगा। ये वाला ब्रैकेट को हटा देते, ठीक। अब देखते हैं जी, फिर से एक ब्रैकेट। अच्छा इधर हटाते जाना चाहिए था ना मुझे ब्रैकेट, लेकिन मैंने तो हटाया नहीं। अब सही सही है, कंपाइल रन करा, अब ये सही नहीं है जी। इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये ब्रैकेट है, इसके लिए ये ब्रैकेट है, इसके लिए ये ब्रैकेट है, तो समस्या कहाँ है? यहाँ है। इतना देर में मुझे क्यों समझ में आता है? चलिए जी, वन टाइप करा तो जनवरी आ गया, ठीक है। अब रन कर देता हूँ कंपाइल का, तो जनवरी। थ्री टाइप करा तो मार्च आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसी में एडिटिंग कर दिया, तो आपने कहा था समझ में नहीं आएगा, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं दूसरा प्रोग्राम तुरंत बना लेता हूं, इधर से दूसरा बनाऊं या चलेगा ये? चलिए जी ऐसा कर देता हूं मैं, ठीक है। मेन ऐसे कर लेता हूं, आई एन टी एम इक्वल टू कुछ भी नहीं, अभी एक ब्लैंक छोड़ते हैं, प्रिंट एप यहां पे कर देंगे इंटर नंबर, ठीक। फिर यहां पे क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, स्कैन एप, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर कॉमा एंड एम, ठीक। ये कर लिया जी हमने, अब इफ लगाया, ठीक है। एम इक्वल टू क्या वन, तो क्या प्रिंट हो जाए जी, प्रिंट एफ। इधर ध्यान उधर होने का, बात नहीं करने का। जनवरी, ठीक है। फिर यहां पे क्या करूंगा मैं, एल्स इफ, ठीक ऐसे, ठीक। और फिर यहां से कर दूंगा एम डबल इक्वल टू टू, तो क्या करना है हमको, फरवरी कर देंगे, ठीक है। फरवरी, फिर हमको अगला कंडीशन चेक करना है, तो क्या करेंगे, एल्स इफ, ठीक है। फिर यहां पे क्या कर देंगे, एम इक्वल टू थ्री, ठीक है। अगर इसमें है तो क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो मार्च, ठीक है। फिर यहां पे एल्स लगाएंगे, फिर इफ लगा देंगे, ठीक है। एम इक्वल टू फोर, ठीक है। तो आप क्या लगा देंगे जी, अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल। और किसी से जब नाम नहीं मैच होता तो सिर्फ एल्स लगा के बोल देंगे, प्रिंट एप। और यहां पे क्या लिख दूंगा, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, ठीक। इसको मैं सेव कर दूं, सेव कर देता हूं एल्स इफ के नाम से,
अब इसको मैं क्या करूंगा जी, कंपाइल करके रन कर दूंगा। 3 करके एंटर मारा तो मार्च आ गया, ठीक है। फिर कंपाइल रन करा यहां पे, 2 किया तो फरवरी आ गया। फरवरी क्या मजाक है ऐसे, ठीक। तो ये है जी लेडर एलसिफ का उदाहरण, एक तरह से ये नेस्टेड ही है, नेस्टेड ही इफ एल्स है। तो ये समझ में आ गया आपको, समझ में आया नहीं आया आपको? कोई समस्या हो तो आप बताओ मुझसे, पूछ लो। कोई समस्या नहीं है किसी को? बताओ। अच्छा, मतलब समझ में आ गया, समस्या यही है। अच्छा, समझ में आया और चला गया, तो उसको बोलना कि अब की बार रुक के जाएगा नाश्ता पानी करके, ठीक। अब जो हो, हाँ बात तो सही है। तो कोई लिखेगा नहीं लिखेगा? ठीक है, मन करता है तो लिख लीजिए और नहीं मन करता है तो मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। एल्स आईडी क्यों लिख दिया, इफ लिखना था। तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ? नहीं आया? तो आसान है ना ये? बहुत आसान है ना? इतना आसान है कि पता ही नहीं चला कि कितना आसान है। ठीक है जी, यही सही। क्या कह रहे हो? ये कालिदास कौन है भाई? अच्छा, कालिदास के बारे में तो मान लो कि मालूम है। फिर मैं इतिहास पढ़ता हूँ, कौन बता दिया तुम्हें? गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है फिर मेरे बारे में। तो क्लियर ना ये? नहीं है क्लियर? समझ में कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? समझ में सबको आ गया है? आगे चलें? ठीक है, आप लिख लीजिए तब तक। तो आगे चलें जी। चलिए, हमने कितना विकास किया है अभी तक? क्या कह रहे हो आप? चलिए जी, हमने इतना विकास किया है अभी तक, else if later तक पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है एक ठो स्विच, ठीक। स्विच को भी देख लेते हैं, ये स्विच कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं और नया प्रोग्राम बनाता हूं, स्विच। ऐसे होता है वो स्विच। मैं स्विच को आई एन नहीं, मेन से पहले शुरुआत करता हूँ, एम ए आई एन, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, आई एन टी एम लिखा, दे दिया, ठीक है। स्विच यहां पे आया और यहां पे आके लिख दिया एम, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट भी तो लेना पड़ेगा, पी आर आई एन टी प्रिंट एम, ठीक है। एंटर एन यू एम बी आर, ठीक। ऐसे कर दूंगा, फिर स्कैन करूंगा, ठीक है। स्कैन एफ, ठीक है।
परसेंट डी, इसको मैं चालू करा क्या? अच्छा किया, कॉमा एंड एम ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करूँगा, कैश वन, ठीक, तो ये हो जाए और फिर क्या हो, प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाए जे ए एन यू ए आर वाई ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे आए कैश टू, ठीक है, फिर हो जाए पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, ठीक है, फैब टू, ठीक ऐसे, ठीक। कैश थ्री, ठीक, कैश थ्री में क्या होना चाहिए जी, वही होना चाहिए जो पहले मैंने लिखा, एम ए आर सी एच, ठीक है ऐसे, ठीक। अब स्विच केस के क्या मतलब है, मैं आपको सेव कर लूँ तो बता दूँ स्विच, ठीक है। ये देखिए, इतना प्रोग्राम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये ऊपर का तीन लाइन क्यों, आपको जो समझ में नहीं आ रहा होगा वो ये है, राइट, यही है ना। तो स्विच में कोई वैल्यू आपको देना रहता है, जैसे मान लो वन या फिर टू या फिर थ्री, ठीक है। मान लीजिए मैंने वन दिया, ठीक है, तो स्विच में मैंने अगर वन दिया तो ये केस से मैच करेगा, ठीक है, जो केस मैच हो जाएगा उसी को ये प्रिंट कर देगा। जैसे मान लो टू केस मैच हुआ, ठीक है, तो फरवरी को प्रिंट कर देगा, ठीक है, वन केस मैच हुआ तो जनवरी को प्रिंट हो गया, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जो केस मैच करेगा उसी केस को प्रिंट कर देगा वो, ठीक है, आपका समझ में आ गया? नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? तो वन टू थ्री फोर कहाँ पे रहेगा, m वेरिएबल्स में रहेगा ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे m लिख दिया, ठीक। ये है स्विच केस, ठीक। तो आप बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है, है नहीं है, आप लोग बताओगे? कोई दिक्कत किसी को भाई? ये जो m वाला है वेरिएबल, इसी में तो वन टू थ्री फोर हम एंटर करेंगे, यूजर से लेंगे, क्यों? थोड़े देर के लिए आप मान लीजिए यहां इसको कमेंट करा और इसी में पास कर दिया वन, तो एम वे वन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन आएगा ना, और यहां पे जब वन आ जाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा भाई, धीरे क्यों बोल रहे हो, सच में प्रिंट हो जाएगा जनवरी, प्रिंट एफ इंटर नंबर, इस लाइन को क्या बोल रहा है, पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ, सही तो लिखा हूं मैं, आप लोग बताइए क्या इसको समस्या है इस सज्जन को, इस सज्जन को क्या तकलीफ हो रहा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। बताओगे आप लोग, नहीं बताओगे? ये एरर यहाँ पे आ रहा है क्यों, इसको भी मैं कमेंट ही कर देता हूँ थोड़े देर के लिए, ठीक है। एम में वन असाइन हो गया और स्विच में आ गया वन, ठीक है, तो जनवरी यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। अब इसको भी समस्या आने लगा जी, इसको क्या तकलीफ है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है तो जरा बताइए आप लोग, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या तकलीफ है इस सज्जन को? चलिए, ई मैं सेव किया हूँ यहाँ पे ना, किस नाम से सेव किया हूँ, तो मेरे को किस नाम से सेव करना चाहिए, अच्छा मतलब आपको मालूम है ये बात, तो अभी तक कहाँ थे जी, जो बता नहीं रहे थे। अब मैं सेव करके क्या करूँगा, कंपाइल करके रन करूँगा, तो इस सज्जन का तकलीफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो बड़ा ना इंसाफी है जी, जनवरी फरवरी मार्च एक ही बार प्रिंट हो गया, होना तो नहीं चाहिए था ना, क्या हाँ? अच्छा उसको हटा देंगे तो सारा प्रिंट नहीं होगा, अच्छा चलिए हम ये भी दिखा देते हैं आपको प्रिंट करके, चलिए कमेंट जो किया हूं उसको हटा दूं।
ठीक है हमने हटा दिया इस सज्जन का तकलीफ, अब खत्म हो जाना चाहिए। फिर से प्रिंट करा तो क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, तो नहीं होना चाहिए था ना। स्कैनर भी मैं क्यों लिया हूं, ये मैसेज देगा नंबर प्रिंट इंटर करो, ठीक है। स्कैनर से मैं क्या करूंगा जी कि एम वाले वेरिएबल में मैं यूजर से इनपुट लूंगा, इसलिए मैंने स्कैन एप लिखा है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। अब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे आया, कंपाइल रन करा, यहाँ पे नंबर एंटर करा मैंने 3, और फिर क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च प्रिंट हो गया जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोडेड 1 था तो 1 से वो शुरू किया, यहाँ पे मैं एम दे देता हूँ, ठीक। अब आप देखिए क्या प्रिंट होता है, ठीक। यहाँ पे 3 देता हूँ मैं तो मार्च प्रिंट हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 2 एंटर करूंगा तो फरवरी मार्च दोनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो समस्या यहाँ पे आ रहा है कि कैश जहाँ पे मैच होता है उसके नीचे सारा प्रिंट कर दे रहा है, यही पर प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो यही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़े देर में। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया ये प्रोग्राम। यहां पे जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को इस केसेस से मैच करता है, और जो मैच हो जाता है उसी को प्रिंट कर देता है, ठीक है। लेकिन यहां पे सारा प्रिंट कर दे रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक नाम का एक कीवर्ड होता है, ठीक। वो ब्रेक कहां होता है जी, मैं बता रहा हूं कहां पे होता है, ये देखिए कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट के आखिरी में स्विच है, राइट। फिर यहां पे क्या है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक। तो उसके अंदर हम जाएंगे तो यहां पे एक होता है गो टू ब्रेक कंटिन्यू, ठीक। तो हम ब्रेक का यहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो जब ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्पेलिंग ये तो होना नहीं चाहिए, ये स्पेलिंग, ठीक है। तो हम ब्रेक अगर सब में लिख देंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा फिर, ठीक, ब्रेक, ठीक है। यहां तो जरूरत नहीं है ब्रेक लिखने का, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं कंपाइल रन करूंगा, ठीक है, एंटर करूंगा नंबर 1 तो सिर्फ जनवरी प्रिंट होके ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई केस जो कि इन तीनों से मैच ही नहीं कर रहा है, मैं तो 3 तक ही लिखा हूं ना, लेकिन मैं यहां पे एंटर कर दूंगा 4th, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, लेकिन प्रिंट होना चाहिए था कि इनवैलिड। तो यहां पे एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है, ये यहां पे कॉलन देंगे और क्या कर देंगे, प्रिंट एफ यहां पे कर देंगे इनवैलिड वैलिड नंबर, ठीक जी, ये इनवैलिड नंबर है। आप थोड़ा सोच समझ के पढ़ा लिखा आदमी की तरह टाइप करो, ठीक है। हाँ बोलो, क्या चीज, थोड़ा सा इसको ले जाओ अनुराग को, किनको, अनुराग को, ठीक है ना, ले जाइए। यहाँ पे दे देंगे सेमी कॉलन, डॉक्टरी भेजा था लेकिन नहीं हुआ ना सिलेक्ट, इसलिए इधर करवाया, फिर उधर बीएससी भी कर रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इनवैलिड नंबर, ठीक है। कंपाइल रन पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप कर दिया इतना, तो आ गया इनवैलिड नंबर। तो आप लोगों को समझ में आया या प्रोग्राम नहीं आया, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, ठीक। ये जो है ये कॉलन का साइन लगा है और ये जो है वो सेमी कॉलन का साइन लगा है, तो आप इसको ध्यान दोगे, ठीक। अब शायद एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, कि यहां पे भी तो वही हो रहा था ना,
कि जिससे मैच करता था, ठीक है, उसको हम प्रिंट कर रहे थे, और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो मैच होता था वो प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। दोनों में क्या कर अंतर, क्या करना चाहिए हमें यूज, ठीक है। तो कहा माना बोला ये जाता है स्टैंडर्ड कि अगर तीन ठो कंडीशन है, ठीक है, तीन कंडीशन अगर है तो आप क्या करो, एलसीप का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अगर तीन ठो कंडीशन है तो आप एलसीप का इस्तेमाल कर लो, तीन से अगर ज्यादा है, ठीक है, चार है, पांच है, छह है, दस है, तो स्विच केसेस का आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ये कहा जाता है कि स्विच केस जो है वो सीधा जंप कर जाता है मैच करके, ठीक है, तो ये फास्टर होता है, ठीक है, और ये स्लो होता है क्योंकि एक 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 पूरा जो एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक है, ये पूरा कंडीशंस को मैच करता है, ठीक है, और ये जंप कर जाता है, ठीक है, तो इसीलिए स्विच केसेस को फास्टर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैंने सिर्फ मार्च तक लिखा है, आप कहां तक लिखोगे, हाँ दिसंबर तक लिख लेना। फिर क्या करना, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे पता नहीं कौन कौन सा डे होता है, ठीक है, तो सारे डे को आप, मैं सारे डे के लिए भी बनाना, मंथ के लिए भी बनाना, ठीक। और इन दोनों को बनाने के बाद एक कैलकुलेटर आप लोग बना के देखना, ठीक। सर, डे के लिए बना दीजिए। क्या कह रहे हो, डे के लिए बना, अच्छा हम ही खाना पीना बना के रख दें, बस आप निकाल के खाओगे क्या भाई, क्या मजाक है, आपको खुद बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। बनाने में कोई दिक्कत आएगा तो फिर पूछना, जल जाएगा। हाँ इसी तरह से बनेगा, मैं जी कल बना रहा था खाना, आप जानते हैं मुझे खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है, तो चावल चढ़ा दिया जी मैं गैस पे, ठीक है, और चला गया अपने कमरे में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 20 मिनट बाद मैं जब चेक कर रहा हूँ तो सीटी मार ही नहीं रहा है कुकर। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो सिलेंडर जलाया ही नहीं था जी, फिर जाके देख रहा हूँ तो नहीं जी गैस तो जल रहा था, जब मैं कुकर के साइड ध्यान दिया तो पता चला सीटी ही नहीं लगा है तुम्हारे घर से, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, तो ये आपका टोटल खत्म, ठीक, ये जो है टोटल खत्म। और ये बचा ना गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू और रिटर्न, ठीक, ये तीनों को हम अपने जरूरत के आधार पे हम पढ़ लेंगे बारी बारी से, ठीक, हम बारी बारी से अपने जरूरत के आधार पे गो टू ब्रेक कंटिन्यू को पढ़ लेंगे जिस जिसका जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही मैं पढ़ा दूंगा तो आप कहोगे नॉनसेंस यूजलेस, ठीक है। हम कल से क्या पढ़ेंगे जी, लूप स्टेटमेंट, फॉर व्हाइल डू व्हाइल, ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताओ कोई दिक्कत है क्या इन सब में, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछो, ठीक है, और दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। तो लिखना है किसी को कुछ, लिखना है लिखोगे या मोबाइल से फोटो खींच लोगे, जिसके पास मोबाइल नहीं हो फोटो खींच लो, और जिसके पास मोबाइल है वो पेन पेपर से लिख लो, ठीक है जी। हाँ तो ये किसका डायलॉग है जरा बताइए, क्या चीज, ठीक है लिख लिए, आपको मालूम है जो मूवी का राइटर था ना वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, नहीं तो उसको मालूम होता नमंति फलनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंति कदाचन, मूर्ख लोग ही नहीं झुकते, ज्ञानी लोग तो झुकते हैं। हाँ झुकेगा नहीं, ठीक है, तो मूर्ख लोग सच में नहीं झुकते, ठीक है। अब मैं एक्टर का बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे भी पसंद है खैर एक्टर, मैं भी उस एक्टर का मूवी देखता हूँ जी, मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो जो राइटर था डायलॉग लिखा था उसको मालूम नहीं था ये, शायद अगर ये श्लोक मालूम होता नमंति फलनो वृक्षा तो ऐसा नहीं लिखता शायद, हाँ वो झुक जाएगा, सही की बात है वो झुक जाएगा।
तो ये लिख लिया जी, आप लोगों ने नहीं लिखा। बोलो लिखने वाला इसमें कुछ है ही नहीं है, हमको सब याद हो गया। तो आगे चले या आप लोग प्रैक्टिस करोगे? एक इसमें मैं तीन ठो बताया हूं, ठीक, ये ठीक है। अच्छा ये तो उसी को मैं एडिट कर दिया था, फिर से इधर उसी को दोबारा यहां पे लिखा, ठीक है। तो ये बताया हूं और स्विच केस बताया हूं और इफ एल्स का नेस्टेड बताया हूं, ठीक। तो आप तीनों को प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जितना आप प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन इतने को भी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मैं डिटेल्स में और जाऊंगा तो इसको सीक्वेंस बदल दूंगा और कंडीशन इसमें लगा दूंगा 10-20, ठीक है। लेकिन आपने कहा था बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाके कोई फायदा नहीं है, मत जाना, ठीक है, हमको सिर्फ काम चलाने भर पढ़ा दो, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, पर इतना तो आपको आना ही चाहिए जी। तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। क्या चीज? नहीं, लूप को कल देख लेंगे, अब लूप मैं अभी बताऊंगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बस हाँ हाँ करेंगे लोग, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए इसका, राइट, ठीक है।